अब हमारे पास अपने एक ड्राइव में एक इमेज है, तो हम इसे रीड कर लेंगे। और रीड करने के बाद उसका तरीका आई एम रीड का ये है, आप आई एम जी किसी भी एक हैंडल में या वेरिएबल में इसको दे सकते हैं, और आपको इसका पाथ जरूर बताना पड़ेगा। तो हमने इमेज ये रीड कर ली, अब इसको हम शो कर देते हैं। आप आई एम शो से इसे शो कर सकते हैं, एस एच ओ डब्ल्यू, और फिर इसके अंदर ये आप हैंडल पास कर दीजिए आई एम जी, तो आपको ये दिखाई देने लगेगी। तो ये इमेज आ गई आपकी। अब इसको बंद नहीं करना है इस पर्टिकुलर फिगर को, क्योंकि मैं एक चीज आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आई एम पिक्सल इन्फो। इसके साथ अगर आप करेंगे आई एम पिक्सल इन्फो, अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर अब पिक्सल की इंफॉर्मेशन आने लगी है। देखिए, मैंने जब जब यहां पर माउस होवर कर रहा हूं तो हर एक जगह पे पिक्सल के एक्स वाई पे ये आपको वैल्यू बताया है, आरजीबी की क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक कलर मैप भी होता है। अगर कलर मैप, वैसे ये क्योंकि एक कलर्ड इमेज है इस पे नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेंगे तो उस पे आप कलर मैप चला के, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है कलर मैप के, जैसे आपके पास स्प्रिंग है, जेट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को वो कलर में दिखा देगा। अच्छा, एक चीज और करते हैं, अब आप खुद एक इमेज बनाते हैं। और इमेज किस तरीके से बनाए, सीएलसी कर दें, पहले क्लियर कर दें। तो हम एक इमेज बनाते हैं आई एम जी करके, और उसमें यू आई एन टी मतलब अनसाइन इंटीजर 8 बिट का, और यहां पर हम ये पास करेंगे जीरोस। हम एक ब्लैक इमेज बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जीरोस कर दीजिए इसे, और फिर यहां पर आप उसका साइज बता दीजिए। जैसे 512 बाय 512 बनाना है आपको, तो 512 कॉमा 512 ले लीजिए और एंड में सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये आपकी एक इमेज बन गई, यहां पर मेमोरी में आ गई। अब जैसे आप इसको देखेंगे, शो आपको करना पड़ेगा आई एम शो, तो हम आई एम शो आई एम जी करेंगे, तो देखिएगा ये जो फिगर है इसमें पूरी ब्लैक इमेज आ गई, यही हम चाहते थे। तो ये तरीका है जीरोज करके आपको ब्लैक इमेज दिखाने का। आप साइज भी इसका छोटा कर सकते हैं चाहे तो, आप दोबारा इसको चला सकते हैं, साइज को वेरिएट कर सकते हैं आप, जैसे 100 बाय 100 कर लीजिए, थोड़ी आपको छोटी दिखाई देगी। इसके बाद में शो दोबारा देखा जाए तो यहां पर देखिए साइज का छोटा हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये ब्लैक है, इसको व्हाइट कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो यहां पर यू आई एन टी जीरोस किया था, पहले तो यहां पर वंस करना पड़ेगा, व्हाइट के लिए वंस होता है, लेकिन वन से तो आएगा नहीं हमको, तो जीरो क्योंकि 8 बिट है, तो जीरो जो है वो ब्लैक को दर्शाता है, 255 जो है वो वन को दर्शाता है, यानी कि व्हाइट को दर्शाता है। तो आपको 255 से इसका इसको गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 255 इंटू वंस, और ये 100 बाय 100, अब ये चल जाएगा। इसके बाद इमेज शो कर दीजिए आप, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो व्हाइट मिलेगी। देखिए आप, ये वेरिएशन हो गया आपका। अब क्या है कि एक इमेज और है हमारे पास इस ड्राइव में, जिसको हम इंडेक्स इमेज कहते हैं। इंडेक्स इमेज में क्या होता है कि आपके पास एक इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, बेसिकली वो वैल्यूज मतलब टू लेवल्स पे होता है। इमेज इमेज के अंदर आपके इंडेक्स वैल्यू होती है और वो जाके आपको आरजीबी की वैल्यूज बताती हैं। उसको रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिएगा। सबसे पहले कि हम अपने वही पहली लाइन तो हमको ये लिखनी पड़ेगी, इमेज रीड करनी पड़ेगी। इमेज मान लीजिए इसी में दे देते हैं, और यहां पर आप आई एम रीड करेंगे, और आई एम रीड करने के बाद आप अपना पाथ देंगे। हमें पता है कि ई कॉलन में हमारे, हम यहां पर पाथ देंगे अपना, और ई कोलन बैक स्लैश टेस्ट अंडरस्कोर हमारे, क्योंकि ये इमेज का नाम है यही है, तो मैं इसको पूरी तरीके से कॉपी कर देता हूं ताकि इमेज का नाम सही आए। हम इमेज टू में डाल देते हैं इसको। तो यहां पर ये हमारी इमेज आई एम जी बन गई और आपके मेमोरी में आ गई। आप इसको रन कराने के बाद एक बार एक चीज और देख सकते हैं कि क्या हमने सही किया है, क्या हमने ये इंडेक्स इमेज ही ली है। तो उसके लिए आपके पास आई एम एफ
INFO, ये सभी इमेज के लिए है, IMF, ININFO करिए और यहां पर ये पाथ जो है अगर आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये आपको जो बताएगा वो यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज बेसिकली है क्या। देखिए इसने सारा का सारा डिटेल दे दिया, यहां पर ये इंडेक्स दिखा दिया इसने। इसी तरीके से बाकी इमेजेस जो है उनको भी आप IMF इन्फो कर सकते हैं, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी इमेज कैसी है। लेकिन इसको आई एम शो जब करेंगे ना, देखिए आप आई एम शो, क्योंकि ये तो आई एम शो से शो होता है, आई एम शो अगर हम IMG को करेंगे तो जो इमेज आएगी वो इस तरीके से आएगी, इंडेक्स इमेज। लेकिन इंडेक्स इमेज तो हमारी कलर है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट आई है, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि आप दो वैल्यूज में इसका आउटपुट लीजिए, जैसे ए या बी, या फिर आप यहां पर एक नंबर और यहां पर बेस मैप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं केवल वेरिएबल लेके चलता हूं। और यहां पर आप दोबारा इसी चीज को कॉपी कर दीजिए जो हमने अभी तक की है, इमेज रीड। इमेज रीड बस आपको एक वेरिएबल में ना करके, जो इमेज रीड आप कर रहे हैं इंडेक्स के लिए वो एक वेरिएबल ना करके एक आप वेक्टर में करेंगे। अब आप आई एम शो करिए, और आई एम शो में आपको यहां पर क्या करना है, इमेज शो में आपको यहां पर ये ए और बी पास कर देना बस, और इसको चलाइए और अब यहां पर आइए, आपको ये इमेज कलर मिल जाएगी। तो ये बात हुई आपके इंडेक्स इमेज को शो कराने की और ये इंफॉर्मेशन देखने की। इसके अलावा आपने एक ब्लैक इमेज, एक व्हाइट इमेज भी बनाई, कैसे हम बनाते हैं ब्लैक इमेज, किस तरह साइज चेंज करते हैं, ये सब चीज हमने देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।